मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि शिवराज कैबिनेट में कम से कम 9 से 10 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि इसके लिए बीजेपी को अपने कई दिग्गज नेताओं को नजरअंदाज करना होगा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कैसे जोखिम भरा कदम उठाती है। सूत्रों की माने तो 27 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे 4 नेताओं के साथ ही सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले दूसरे विधायकों को भी दल बदल का इनाम मिल सकता है। बताया जा रहा है कि सिंधिया खेमे से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी को मंत्री बनाया जा सकता है। ये सभी नेता कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे। वहीं बिसाहू लाल सिंह, एदल सिंह कंसाना, राजवर्धन सिंह, हरदीप सिंह डंग और रणवीर सिंह जाटव का नाम भी मंत्रियों की संभावित लिस्ट में शामिल है। वहीं बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो 5 नए चेहरों को शिवराज मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें अरविंद सिंह भदौरिया, चेतन कश्यप, मोहन यादव के साथ ही रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग में से कोई एक, जबकि रमेश मेंदोला और मालिनी गौड़ में से किसी एक को अंतिम सूची में लिया जा सकता है। वहीं बीजेपी के 13 पूर्व मंत्रियों को फिर से मौका मिलने की चर्चा है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक शिवराज के पूर्व मंत्रिमंडल में शामिल वरिष्ठ सदस्यों को फिर से मंत्री बनाए जाने का संघ और संगठन स्तर पर भारी दबाव है। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला, विजय शाह, गौरीशंकर बीसेन, रामपाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, संजय पाठक, अजय बिश्नोई, नागेंद्र सिंह, हरिशंकर खटिक, ब्रिजेंद्र सिंह और जगदीश देवड़ा को शिवराज मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की पूरी संभावना है। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।